मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। मार्केट में खीरे आजकल बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी रहते हैं, तो आज मैं आपके लिए खीरे की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दो मैंने यहाँ पे खीरे अच्छे से वॉश करके छील के काट के लिए है, और यहाँ पे दो बड़े साइज के प्याज जो है ना, इस तरीके से मैंने टुकड़ों में कट करके अलग अलग पीसेस कर लिए है, और दो बड़े साइज के आलू लिए, एक छोटा सा गोभी लिया है, और दो टमाटर मैंने यहाँ पे कट करके लिए है, और ये छोटा छोटा प्याज भी मैंने एक बड़े साइज का लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पे ले लिया है तेल, तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो फ्रेंड्स तेल हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जब हमने जो सब्जियां कट करके रखी थी ना, उनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गोभी को डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इस तरीके से तेल में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गोभी का ना कलर चेंज होने लग गया है, बस हमें इतना ही इसको फ्राई करना है। और अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, और अब हमने जो खीरा कट करके रखा था ना, इसको भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने खीरे को भी डाल दिया है और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। खीरा हमारा बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खीरे का भी आप देख सकते हो कलर चेंज होने लग गया है इस तरीके से, और बस हमें ऐसे ही रखना है। इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो आलू को भी हम बस थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। सारी सब्जियों को फ्रेंड्स हमें 70% लगभग कुक करना है, पूरी तरीके से नहीं पकाना है, क्योंकि हम सब्जियों को आगे भी पकाने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए हम आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो आलू भी हमारे फ्राई हो गए, चलिए हम इनको भी निकाल लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें प्याज, जो कि हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखा था ना, उसको भी डाल देंगे। बहुत ज्यादा हमें भूनना नहीं है इसको, बहुत हल्का सा इसको जो ना फ्राई करना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका हमें कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत हल्का सा इसको भूनना है। तो चलिए इसको भी भून लेंगे। प्याज भी हमारा फ्राई हो गया, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा मैंने प्याज को नहीं भूना है, बस इसका ट्रांसपेरेंट जैसा दिखने लग गया, बस इसको भी हम निकाल लेंगे। और अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑयल था ना, वो निकाल दिया है, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर के जीरा, और थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग का। अब इसमें जाएगा प्याज जो हमने छोटा छोटा कट करके रखा था ना, उसको हम इसमें डाल देंगे। इसको हम चला देंगे थोड़ा सा। और अब मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च और लहसुन को ना कूट के लिया है, आप चाहो तो यहाँ पे पेस्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने अदरक का यूज नहीं किया, आपको पसंद है तो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्याज लहसुन हरी मिर्च सारे मसाले हमारे भुन चुके हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले। तो यहाँ पे लिया है मैंने हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और अब मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। मिर्च हमें ध्यान से डालनी है, क्योंकि हम पहले हरी मिर्च का भी यूज कर चुके हैं, तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का यूज किया है, बहुत ज्यादा तीखी नहीं है। एक चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला, इनको हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, जिससे हमारे मसाले जो है ना अच्छे से भून जाए। तो मसालों को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करके जरूर देखिए आप, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों से। तो चलिए मसाले हमारे भून चुके हैं, इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने काट के रखे थे, इनको भी हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक को हमें डाल देना है, जिससे होगा कि टमाटर जो है ना हमारे जल्दी से गल जाएंगे। यहाँ पे डेढ़ चम्मच का मैंने यूज किया है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी रख सकते हो। तो अच्छे से टमाटर को हम गलने देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर भी गल चुके हैं अच्छे से, मसाले बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, और अब हमने जो सब्जियां फ्राई करके रखी थी ना, उनको हम इसमें डाल देंगे और इनको मिक्स कर देंगे मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स आपको मैं याद दिला दूं, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है ना, उस पर टच जरूर कीजिए। तो चलिए हमारी सब्जियां जो है ना, बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, थोड़ी देर मैंने इनको फ्राई किया है, आपको फ्राई जरूर करना है, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी,
पानी को हमें डाल देना है। सब्जियां पहले से ही पकी हुई है, थोड़ी सी मैं इसको रसीला रखने वाली हूँ सब्जी को, तो थोड़ा सा पानी मैं ज्यादा यूज कर रही हूँ। पूरा एक ग्लास पानी मैंने यहाँ पे यूज किया है। और अब हम इसको कवर करके ना 5 से 10 मिनट अच्छे से पका लेंगे बीच में चलाते हुए। तो चलिए हम एक बार सब्जी को फ्रेंड्स चला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी लगभग पक चुकी है, बस थोड़ा सा हम इसको और पका लेंगे। पहले से ही फ्राई हो गई थी तो ये पकी हुई है, थोड़ा सा हम इसको और पका लेंगे 5 मिनट लगभग। तो फ्रेंड्स सब्जी हमारी अब पक चुकी है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, इसीलिए मैंने बोला था कि आप बिल्कुल भी इसके मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और साथ में डालेंगे खूब सारी धनिया। चलिए इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म चटपटी खीरे की सब्जी जो है ना, मिक्स सब्जी तैयार है। इसको हम सर्व कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है हमारी सब्जी, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग ट्राई करके जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।